अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज ज़ाफ़रान साजिद। मैथ्स बाय ज़ाफ़रान के इस प्लेटफॉर्म पे मैं आप सबका वेलकम करता हूँ। अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो काइंडली इसको लाइक सब्सक्राइब और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आज की इस वीडियो में हम MTH 401 के पास्ट पेपर्स को डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने 3 पास्ट पेपर्स आप लोगों के साथ डिस्कस किए हैं और अपने चैनल पे शेयर किए हैं। उन सारी वीडियोस के जो लिंक्स हैं आज की वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे, आप उन्हें यहाँ से ओपन करके देख सकते हैं। सो आज की इस वीडियो में हम MTH 401 का पेपर नंबर 4 जो है वो आप लोगों के सामने डिस्कस करेंगे। इस पेपर का भी हम ऑब्जेक्टिव पार्ट ही डिस्कस करेंगे। अगर किसी को MTH 401 के पास्ट पेपर्स का सब्जेक्टिव पार्ट का सॉल्यूशन भी चाहिए तो ऑन डिमांड हम उसको रिकॉर्ड करके अपने चैनल पे शेयर कर देंगे, आप यहां से देख सकते हैं। हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। द कन्वर्जन ऑफ काशी आयलर इक्वेशन, ये आपके पास एक सेकंड ऑर्डर काशी आयलर इक्वेशन दी हुई है। आफ्टर पुटिंग एक्स इज इक्वल टू ई टू रेस पावर टी बिकम्स, देखिए हमारे पास ये एक काशी आयलर डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है और वो कह रहा है कि जब हम यहां पर एक्स की जगह पे e टू रेस पावर t पुट करेंगे तो ये जो काशी आयलर डिफरेंशियल इक्वेशन है ये किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं और इसमें जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट है। आपका जो काशी आयलर डिफरेंशियल इक्वेशन वाला लेक्चर आपके हैंड आउट में, उसमें ये एग्जाम्पल नंबर 2 है, मैंने यहाँ पे इसका सोल्यूशन पेस्ट भी किया हुआ है। देखें जरा, सॉल्व 4x² t2y/dx² प्लस 8x dy/dx प्लस y गोज टू 0। यहाँ पर जब हम x की जगह पे e टू रेज पावर t पुट करते हैं तो हमारे पास जो इस गिवन सेकंड ऑर्डर आयलर डिफरेंशियल इक्वेशन की जो फॉर्म बनती है वो कुछ इस तरह से बन जाती है, 4 delta square plus 4 delta plus 1 into y goes to 0। हम देख सकते हैं कि ऑप्शन डी में ऐसा ही कुछ लिखा हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पहला MCQ जो है इसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई है। अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 पे मूव करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास एक पावर सीरीज गिवन है। कंसीडर अ पावर सीरीज, ये आपके पास एक पावर सीरीज है। देन पावर सीरीज क्लियरली कन्वर्जेस फॉर द वैल्यू ऑफ एक्स लाइज इन, 4 ऑप्शन है हमारे पास। ऑप्शन नंबर 1 है 0 less than x, x less than 1। ऑप्शन नंबर बी है 0 less than x, x less than 2। ऑप्शन नंबर सी है 0 less than x, x less than 3। ऑप्शन नंबर डी है none of them। हमारे पास ये जो पावर सीरीज है x की किस वैल्यूज के लिए कन्वर्ज करती है हम देख लेते हैं। इसका जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट है, ठीक है। क्यों करेक्ट है मैं आपको बता देता हूं। अगर हम यहाँ पे रूट टेस्ट को यूज करें, रूट टेस्ट क्या कहता है, लिमिट n गोज टू इंफिनिटी a n होल पावर 1/n दिस इज इक्वल टू l, ये जो l है इसकी वैल्यू पे डिपेंड करता है कि गिवन पावर सीरीज कन्वर्ज करती है या डाइवर्ज करती है। अगर l की वैल्यू लेस देन 1 होती है तो सीरीज कन्वर्ज करेगी, अगर l की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है तो सीरीज डाइवर्ज करेगी, और अगर l की वैल्यू इक्वल टू 1 आ जाती है तो इस केस में हम कुछ भी नहीं कह सकते। इसको हम कहते हैं इनकंक्लूसिव रिजल्ट एट l इज इक्वल टू 1, क्योंकि l इज इक्वल टू 1 पर हम कुछ भी डिटरमाइन नहीं कर सकते कि आया ये कन्वर्ज करती है या डाइवर्ज करती है, सही है। अगर हम इस रूट टेस्ट को अप्लाई करें, सो यहाँ पे मैं सिंपल सा और जो है ना इसका शॉर्ट सा एक व्यू आपको दिखा देता हूं। हमारे पास जो गिवन पावर सीरीज है उसमें ए एन की वैल्यू कितनी है, x-1 to raise power n। इस पर जब मैं रूट टेस्ट अप्लाई करता हूं, लिमिट n गोज टू इंफिनिटी और a n की वैल्यू पुट करता हूं, x-1 to raise power n और सारे की पावर 1/n, तो यहां पर ये जो n है इस n से कैंसिल हो जाएगा और यहां पर हम लिमिट अप्लाई करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, x-1। ये जो x-1 है ये समझ लें l है, ठीक है ना, ये l की वैल्यू, और ये हमें अगर लेस देन 0 मिलेगा, अगर x-1 जो है इस सारे की वैल्यू जो है x-1 लेस देन 1 आएगा तो उस केस में सीरीज कन्वर्ज करेगी, सही है ना। x की हम यहाँ पे कौन सी वैल्यू रखें जिसके लिए हमारे पास x-1 जो है वो लेस देन 1 आए तो वो सारे नंबर्स जो है वो 0 और 2 के दरमियान हो सकते हैं, ठीक है। अगर हम 1.9 यहाँ पे पुट करें, x की जगह पे मैं 1.9 पुट करता हूं
सो 1.9 माइनस 1 करूंगा तो आंसर कितना आएगा 0.9 जो कि लेस देन 1 है, इसका मतलब है सीरीज कन्वर्ज करेगी। अच्छा अब हम अगर 0 और x 0 और 1 के दरमियान में भी कोई नंबर पुट करते हैं तब भी हमारे पास सीरीज में वो कन्वर्ज ही करेगी, लेकिन मसला ये है कि ये जो 0 लेस देन x, x लेस देन 1 है वो इस ऑप्शन बी के अंदर कंटेन करता है। ऑप्शन बी बेसिकली एक जो समझ लें कि बड़ी डोमेन है, इस वजह से हमने ऑप्शन बी को करेक्ट किया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग हो गई है। अभी हम क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, हमारे पास यहाँ पे एक पावर सीरीज गिवन है, कंसीडर अ पावर सीरीज, या हमारे पास एक पावर सीरीज गिवन है, देन पावर सीरीज गिव्स एन इनकंक्लूसिव रिजल्ट इफ। अब यहाँ पे जो इनकंक्लूसिव रिजल्ट का वर्ड यूज हुआ है इसका मतलब है कि थोड़ी देर पहले जो हमने मैंने आपको बताया है कि रूट टेस्ट जो होता है वो एल इज इक्वल टू 1 के ऊपर हमें कुछ भी नहीं बताता, मतलब L इज इक्वल टू 1 के ऊपर हमें इनकंक्लूसिव रिजल्ट मिलता है, सही है ना। सो यहां पर हम क्या करते हैं, यहां पर हम इस पावर सीरीज के लिए रेशो टेस्ट अप्लाई करते हैं, ठीक है। जब हम रेशो टेस्ट अप्लाई करेंगे तो हम देखेंगे रेशो टेस्ट होता क्या है, मैं यहां पे चले लिख देता हूं, लिमिट n गोज टू इंफिनिटी ए एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय ए एन इज इक्वल टू L। अब इस L की वैल्यू पे डिपेंड करता है कि अगर तो L की वैल्यू लेस देन 1 आती है तो इस केस में सीरीज कन्वर्ज करेगी, अगर L की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 1 आती है तो इस केस में सीरीज डाइवर्ज करेगी, और अगर L की वैल्यू इक्वल टू 1 आती है तो इस केस में हमें इनकंक्लूसिव रिजल्ट मिलेगा, मतलब हम डिफाइन नहीं कर सकते कि सीरीज कन्वर्ज करेगी या डाइवर्ज करेगी। सो यहां पे हम क्या करते हैं, देखिए यहां पे मैंने सृष्टि को पेस्ट भी किया हुआ है, यहां पर उसने जो रेशियो टेस्ट है उसको अप्लाई किया हुआ है और यहां पर हमें आखिर में क्या मिलता है, ये इक्वल टू है, इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स मिलता है। अब यहां पे ही जो मॉड ऑफ एक्स है बेसिकली ये समझ लें कि एल है, ठीक है। अब यहां पे इसकी जगह पे अगर हम 1 पुट करें या माइनस 1 पुट करें, मतलब यहां पे चले मैं लिख देता हूं एल इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स। अच्छा अब एक्स की जगह पे आप माइनस 1 पुट करें या 1 पुट करें, दोनों केसेस में हमें जो आंसर मिलेगा वो 1 ही मिलेगा, और हमने क्या कहा था कि जो हमारे पास रेशियो टेस्ट होता है उसमें जब L की वैल्यू 1 आएगी तो उस केस में हमें इनकंक्लूसिव रिजल्ट मिलेगा, इस वजह से जो ऑप्शन बी है वो करेक्ट है, जब भी मॉड ऑफ x की वैल्यू इक्वल टू 1 आएगी तो इस केस में हम कोई भी डिसीजन नहीं कर सकते कि गिवन सीरीज कन्वर्ज करेगी या डाइवर्ज करेगी, तो इस केस में ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। उम्मीद करता हूं कि आपको इस क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग हो गई है। अभी हम क्वेश्चन नंबर 4 पे मूव करते हैं। ओके क्वेश्चन नंबर 4 बेसिकली एक थ्योरम की स्टेटमेंट है, इसको हम पढ़ लेते हैं। सपोज दैट अ पावर सीरीज, हमारे पास ये एक पावर सीरीज है, ये पावर सीरीज है इज रिप्रेजेंटेड बाय अ फंक्शन f हुज डोमेन इज द इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ पावर सीरीज। ओके द फंक्शन f, ये जो फंक्शन f है इज कंटीन्यूअस डिफरेंशियबल एंड इंटीग्रेबल ऑन, चार ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है a प्लस r कॉमा a माइनस r, ये एक ओपन इंटरवल है। r माइनस a कॉमा r प्लस a, ये भी एक ओपन इंटरवल है। c ऑप्शन है हमारे पास a माइनस r कॉमा a प्लस r, ये भी एक ओपन इंटरवल है। और d ऑप्शन हमारे पास नन ऑफ देम, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन c है। ये बेसिकली एक थ्योरम की स्टेटमेंट है। ओके उम्मीद करता हूं कि आपको इस क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग हो गई है। अभी हम क्वेश्चन नंबर 5 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 बेसिकली बहुत सारे पेपर्स में रिपीट हुआ है, सो इसको हम चले सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, हमारे पास ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है 4y डबल प्राइम प्लस y गोज़ टू 0, ये एक होमोजीनियस सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इसका सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए हम सपोज करते हैं कि y इज इक्वल टू e टू रेज पावर mx। अब हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करते हैं तो हमें m e टू रेज पावर mx मिलता है, इसका हम जब सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो हमें m स्क्वायर e टू रेज पावर mx मिलेगा। अच्छा अब y की और सेकंड डेरिवेटिव की जो वैल्यू है वो हम पुट करते हैं गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन में, सो 4m स्क्वायर e टू रेज पावर mx प्लस e टू रेज पावर mx गोज टू 0। यहां से हम e टू रेज पावर mx जो है ना ये हम कॉमन लेते हैं तो हमें क्या मिलेगा 4m स्क्वायर प्लस 1 गोज टू 0,
अच्छा यहाँ पर ये जो e टू रेज पावर m max है ये तो कभी भी जीरो नहीं हो सकता क्योंकि इसे तो हमने एक नॉन जीरो सॉल्यूशन सपोज किया है। सो इसका मतलब है यहाँ से 4m स्क्वायर प्लस 1 गोज़ टू जीरो, यही इक्वल टू जीरो होगा। ओके यहाँ से जब हम m की वैल्यू फाइंड करेंगे तो m की हमारे पास दो वैल्यूज आएंगी, पहली वैल्यू आएगी आयोटा बाई 2 और दूसरी हमारे पास m2 हमारे पास जो है वो माइनस आयोटा बाय 2, क्योंकि जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है इसके करस्पोंडिंग जब हमने एक्सेलरी इक्वेशन फाइंड की है तो उस एक्सेलरी इक्वेशन के जो रूट्स हैं उनकी नेचर क्या है, कम्प्लेक्स आर इमेजिनरी। तो इस केस में जो जनरल सॉल्यूशन की फॉर्म होती है वो जो ऑप्शन ए है उससे मिलती जुलती है क्योंकि इसमें हमने अल्फा और बीटा की वैल्यू पुट की है, तो इस वजह से जो ऑप्शन ए है वो करेक्ट है। उम्मीद करता हूं कि आपको इस क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग हो गई है। अभी हम क्वेश्चन नंबर 6 पे मूव करते हैं। ओके क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, अ फंक्शन एफ इज सेट टू बी कन्वर्जेंट। इस वर्ड पे आपने गौर करना है, मैं थोड़ी देर में आपको समझा भी देता हूं। अ फंक्शन एफ इज सेट टू बी कन्वर्जेंट एट अ पॉइंट ए इफ इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द पावर सीरीज इन एक्स माइनस ए विच हैज, ऑप्शन ए है डाइवर्जेंट सीरीज, ऑप्शन बी है कन्वर्जेंट सीरीज, ऑप्शन सी है बोथ ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन, ऑप्शन डी है नन ऑफ देम। तो बेसिकली ये जो कन्वर्जेंट का वर्ड है ये बेसिकली यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। यहाँ पे मैंने इसका सॉल्यूशन जो पेस्ट किया, देखें जरा, अ फंक्शन एफ इज सेड टू बी एनालिटिक एट अ पॉइंट ए इफ इट इफ द फंक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द पावर सीरीज। ये थोड़ा सा इसमें मिसिंग है क्योंकि पेस्ट करते हुए थोड़ी सी गलती हो गई है। तो बाय द वे मैं बताना चाह रहा हूं कि यहाँ पे जिस वर्ड को मैंने सर्कल किया है इसकी जगह पे अगर एनालिटिक आ जाता तो फिर हमारे पास डेफिनेशन कंप्लीट हो जाती, लेकिन उस डेफिनेशन के लिए भी यहाँ पर ऑप्शन चार ऑप्शन में से कुछ भी नहीं गिवन, तो इस वजह से यहाँ पे हम जो ऑप्शन डी है उसको करेक्ट करते हैं। ओके अ फंक्शन एफ इज सेट टू बी एनालिटिक एट अ पॉइंट ए इफ इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द पावर सीरीज इन एक्स माइनस ए विच हैज पॉजिटिव रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। ये पूरी एक स्टेटमेंट बनती है, सही है ना। अगर आपके पेपर में यहाँ पे एनालिटिक का वर्ड आ जाए और आपके ऑप्शन में से पॉजिटिव रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस गिवन हो तो इसका मतलब है वो करेक्ट होगा। सो बाय द वे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो नन ऑफ देम है। ओके उम्मीद करता हूं कि आपको इस क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग हो गई है। अभी हम क्वेश्चन नंबर 7 पे मूव करते हैं। ये क्वेश्चन भी काफी सारे पेपर में रिपीट हुआ है। इफ ई एफ टी इज इक्वल टू जीरो आर डज नॉट इक्वल टू जीरो, आर डज नॉट इक्वल टू जीरो, ई एफ टी क्या है, ई एफ टी इज द सोर्स वोल्टेज एंड आर इज द रेजिस्टेंस, देन इलेक्ट्रिक वाइब्रेशन ऑफ सर्किट इज सेट टू बी, ऑप्शन ए है फ्री डैम्प्ड ऑसिलेशन, ऑप्शन बी है फ्री अनडैम्प्ड ऑसिलेशन, ऑप्शन सी है बोथ डैम्प्ड एंड अनडैम्प्ड ऑसिलेशन, ऑप्शन डी है नन ऑफ देम। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो फ्री डैम्प ऑसिलेशन है। अच्छा यहाँ पर इस क्वेश्चन से एक और एमसीक्यू भी बन सकता है। देखें ये जिसको मैंने सर्कल किया है आर डज नॉट इक्वल टू जीरो, अगर आर इज इक्वल टू जीरो हो जाए तो उस केस में ऑप्शन बी जो है ना वो करेक्ट होगा, फिर हमारे पास ऑप्शन क्या हो जाएगा, फ्री अनडैम्प ऑसिलेशन, ठीक है ना। उम्मीद करता हूं कि आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई है, लेकिन यहां पर जो क्वेश्चन 7 का ऑप्शन करेक्ट है ना वो ऑप्शन ए है क्योंकि R does not equal to zero है, इस वजह से ये free damped oscillation कहलाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको इस question की understanding हो गई है। अभी हम question number 8 पे move करते हैं। Okay, यहाँ पे वही जो मैंने आपको बता दिया है वो यहाँ पे mention भी हो गया, देखें जरा। If E of T is equal to zero and R is equal to zero, then electric vibration of the circuit is said to be free undamped oscillation. Okay? इस वजह से ऑप्शन बी करेक्ट है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 पे मूव करते हैं। ये क्वेश्चन भी बारह पेपर्स में रिपीट हुआ है। द कासी फ्रीक्वेंसी ऑफ द सॉल्यूशन एक्स ऑफ टी ऑफ फ्री डैम्प्ड मोशन इज गिवन बाय द नंबर, ऑप्शन ए में जो नंबर गिवन है बेसिकली ये कासी फ्रीक्वेंसी जो है ना उसको रिप्रेजेंट करता है, स्क्वायर रूट ऑफ ओमेगा स्क्वायर माइनस लैम्डा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 पाई, ये बेसिकली कासी फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा इसको अगर हम इसका रेसिप्रोकल ले लें, इसको अगर हम उल्टा कर दें तो जो ऑप्शन बी बनता है ना वो बेसिकली कासी पीरियड को शो करता है। अगर आपके पेपर में कासी पीरियड के हवाले से नंबर का पूछा जाए तो ऑप्शन बी जो है ना वो करेक्ट होगा। उम्मीद करता हूं कि आपको इस क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग हो गई है।
अभी हम क्वेश्चन नंबर 10 पे मूव करते हैं। ओके यहाँ पे मैंने सॉल्यूशन को भी पेस्ट किया है, तो इस वजह से आपने परेशान नहीं होना। मैं यहाँ पे स्टेटमेंट जो है उसको रीड करता हूँ। सिंस x ऑफ t इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ 10 डिवाइडेड बाय 3 इनटू e टू द पावर माइनस t साइन ऑफ 3t प्लस 4.39 इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके हमारे पास यहाँ पे ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है इसका सॉल्यूशन हमें पहले ही गिवन है, ये आपके पास इसका सॉल्यूशन है, ठीक है। विद यहाँ पे कंडीशन भी है, जो इनिशियल कंडीशंस है, x ऑफ 0 इज इक्वल टू -2 एंड x प्राइम ऑफ 0 इज इक्वल टू 0। सो द फेज एंगल, यहाँ पर फेज एंगल के बारे में पूछा गया है। ओके फेज एंगल हमारे पास क्या हो जाएगा फिर, यहाँ पे ऑप्शन बी जो है ना वो करेक्ट होगा 4.391। ओके यहाँ पर इसका जो सॉल्यूशन है वो भी मैंने यहाँ पे पेस्ट किया है। हमारे पास यहाँ पे जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, देखें जरा, डी टू एक्स डिवाइडेड बाय डी टी स्क्वायर प्लस 2 डी एक्स बाय डी टी प्लस 10 एक्स गोज टू 0। ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है। ओके और इसमें जो इनिशियल कंडीशंस है वो भी हमारे पास गिवन है, और हमारे पास जब हम इसका फेज एंगल फाइंड करते हैं तो फेज एंगल हमारे पास ये आपको नजर आ रहा होगा 4.391। तो बेसिकली ये इसका फेज एंगल, ये आपकी हैंडआउट्स में से मैंने सॉल्यूशन लिया है, तो इसको यहाँ से आप देख लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस क्वेश्चन की भी अंडरस्टैंडिंग हो गई है। आज की इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। मेरी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम MTH 401 का जो पेपर 4 है उसके जो बाकी 30 MCQ है वो आप लोगों के सामने हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।